पे मुझे माफ कर दो जो कुछ भी मैंने किया। मेरा हाथ थाम लो। इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें जो भी खदशात है मेरी मोहब्बत को लेके वो अपनी जगह शायद जायज होंगे, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात का वादा करता हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हारे हक से तुम्हें महरूम नहीं करूंगा, इस बात का वादा करता हूँ मैं। भाभी, आपने मुझे बताया ही नहीं कि हारून दानिया को लेके कहां जा रहा था, वो भी उसका हाथ पकड़ के। नहीं, मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि खैरियत है ना। एक तरफ तो वो शादी के लिए हाँ नहीं करता दानिया के साथ, और दूसरी तरफ ले जा रहा है उसे कहीं हाथ पकड़ के। अच्छा नहीं लगा मुझे। इसमें बुरा क्या लग रहा है, कजन है दोनों, एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से उनकी बात तय हुई है। और ये अलग बात है कि हारून कुछ वक्त के लिए अपना रास्ता भटक गया था, लेकिन अब वो लौट आया है उन्हीं रास्तों पे जहां उसकी खुशियां उसका घर जाता है। अरे भाभी, सीधी बात करें ना, पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? सुनो, हारून दानिया से शादी करने के लिए राजी है, है? मान गए? हाय भाभी, वो मान गया? हाय, तो बहुत अच्छी बात है भाभी, मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस दफा वो खुद सभिया के पास गया और उसने अपने मुंह से कहा कि मुझे दानिया से शादी करनी है। बस हमारी दानिया को ना बुरी नजर से बचाए बस। खास करके जो इर्द गिर्द मंडला रही है ना बुरी नजरें, वो तो दफा दूर हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मोमानी आपके लिए। खड़ी बातें सुन रही हो हमारी? सूप लाई थी आपके। नहीं पीना मुझे सूप। छुप छुप के बातें सुनना, ये भी गालिबन तुमने अपनी माँ से विरसे में लिया है। अब मुंह क्या देख रही हो मेरा, दफा हो यहां से। सब शादी की तैयारियां करनी है। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मुझे कुछ काम है। ऐसे भी जो मैंने कहना था वो तुम्हें कह दिया। उम्मीद है कि अब तुम्हारी इनकार की कोई वजह नहीं रही। हारून, मेरे इनकार की वजह भी आपकी मोहब्बत ही थी।
अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम आपा, आप ही के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ, आ गए वो दोनों? हाँ हाँ, हारून अभी अभी दानिया को छोड़ के गया है। दानिया बहुत खुश लग रही है, हारून ने उसे मना लिया है। सही बताएं आपा, आप सच कह रही हैं? अल्लाह तेरा शुक्र है। आपको पता है आपा, उस वक्त से तस्बीह हाथ में लेके बैठी हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो बस अल्लाह ने तुम्हारी तस्बीह कबूल कर ली, बस अब तैयारियाँ करना शुरू कर दो। इस दफ़ा हम कोई लंबे चौड़े बखेड़े में नहीं पड़ेंगे। तुम चार लोगों को लेकर आओ और निकाह करवाओ और ले जाओ अपनी दानिया को। आप ठीक कह रही हैं आपा, शायद हमारी किस्मत में हमारे बच्चों की खुशियाँ ऐसे ही लिखी हैं। मेरा ख्याल है इस जुम्मे का दिन ठीक रहेगा। जैसे आप मुनासिब समझें आपा, तैयारी तो सारी हो रखी है। मैं ये कह रही थी कि आप जरा अगर बीबी से भी मशवरा कर ले तो बेहतर हो जाएगा। बीबी अपना मशवरों का हक खो चुकी है। उमर और तमन्ना की शादी के बाद खास तौर पे अब उनके मशवरों की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं। मैं दानिया से बात करके तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। क्या बात है, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। हाँ बातें ऐसी है। अच्छा तो मुझे नहीं बताओगी? तुम्हें नहीं बताऊंगी तो भला और किसे बताऊंगी मैं? तो फिर बताओ इस खुशी की वजह। हारून मुझसे शादी कर रहे हैं। क्या? हाँ, और इस बार उन्होंने खाला से खुद बात की है कि वो इस रिश्ते के लिए राजी हैं। मैंने तो खाला को साफ साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर जब हारून मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ लेकर गया और मुझसे मेरा साथ मांगा, मेरा गुस्सा झट से खत्म हो गया। तो इसीलिए तुम उसके साथ गई थी? बल्कि वो मुझे लेकर गए थे अपने साथ, मेरा हाथ थाम कर। पता है इस वक्त इतनी खुश हूं सोच करके मैं हारून की दुल्हन बनूंगी। खालाजान ठीक कह रही थी, हारून के नाम का जोड़ा तो सिर्फ मैं ही पहनूंगी। उनके नाम का झूमर सिर्फ मेरे माथे पर सजेगा। ऐमन कहाँ जा रही हो? कुछ काम है मुझे। अब ये क्यों उस तरह आप चली गई? मुझे तो लगा था बहुत खुश होगी। हारून राजी कैसे हो गया? खुश तो ये ऐसे हो रही थी जैसे हारून ने उसी की मोहब्बत में उसे शादी के लिए प्रपोज किया हो। बढ़िया ही, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हारून जैसा लड़का
हानिया जैसी लड़की से शादी के लिए राजी कैसे हो गया? उसे मैं दिखाई क्यों नहीं देती? सुनो, हारून दानिया से शादी करने के लिए राजी है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस दफा वो खुद सभिया के पास गया और उसने अपने मुंह से कहा कि मुझे दानिया से शादी करनी है। हारून के बारे में सोच रही हूँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हारून दानिया के साथ शादी के लिए राजी हो गया। यही तो तुम चाहती थी। तो फिर चेहरे पर ये उदासी, ये गम, परेशानी, ये दुख कैसा? मगर हारून ने तो कहा था वो मुझसे मोहब्बत करता है, तो क्या उसके सारे दावे गलत थे, झूठे थे? नहीं, उसके सारे दावे सच्चे थे। वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता था। अगर दानिया के साथ शादी के लिए तुम ही ने तो उसे मजबूर किया था, मैंने? हाँ, अगर तुम उसका हाथ थाम लेती तो आज तुम उसके साथ होती। तो क्या मैंने हारून का हाथ ना थाम कर गलती की? क्या मुझे उसकी मोहब्बत कबूल कर लेनी चाहिए थी? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने वो किया जो इस घर के लिए बेहतर था, जो इस घर के सुकून और खुशियों के लिए बेहतर था। देखा नहीं तुमने कि मुमानी कितना खुश थी, और दानिया, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। क्या तुम ये सब देखकर खुश नहीं हो? मैं उमर, तुम क्या हुआ तमन्ना? तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना इतना बुरा क्यों लगे? शोहर हूं मैं तुम्हारा। नहीं, वो हमारी शादी ऐसे हालात में हुई है ना, मुझे कुछ वक्त चाहिए। वक्त? मुझसे तुम्हें वक्त चाहिए? मैं शोहर से वक्त चाहिए। तमन्ना सीधी तरह से क्यों नहीं कहती कि हारून की मोहब्बत, उसकी याद तुम्हें मेरे करीब नहीं आने देती? तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर, उमर, जरा मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
शायद हमारा रिश्ता इसी तरह लिखा है। मैं जिसे पा ना सका उसके करीब रहना मेरे लिए ज्यादा तकलीफ देह होगा। दानिया के साथ शादी के बाद अन्ना को खुद से दूर रखना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। जी बुलाया आपने मुझे? मैंने दानी और हारून की शादी का फैसला किया। एक मिनट, क्या मतलब है हारून और दानिया की शादी का? हम ही कैसे कर सकती हैं, आप क्या बोल रही हैं आप? क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्या खराबी है इसमें? क्योंकि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम्हें क्या तकलीफ है? अभी हारून और दानिया की शादी होगी, हारून का इस घर में आना जाना ज्यादा हो जाएगा, तो अभी तमन्ना उसके सामने आएगी, अभी दोनों में फिर से कुछ शुरू हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये घर है कोई सड़क नहीं है जहां किसी को कुछ दिखाई ना दे। अभी पहले भी ना सब कुछ इसी घर में हो गया, आपकी नाक के नीचे सब कुछ हुआ, वो दोनों पता नहीं क्या। बस उमर बहुत हो गया है, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो अपनी बीवी को कंट्रोल करो। वैसे भी जो कुछ भी पहले हुआ है उसमें हारून से ज्यादा तमन्ना का कसूर है। जिसने पहले हारून को अपने पीछे लगाया और फिर तुम्हें। उमर एक बात कान खोलकर सुन, इस बार मैं अपनी बेटी की खुशियों को नजरअंदाज नहीं करूंगी। सब कुछ भुला बैठे हो, मुझे सब कुछ याद है। मेरी बेटी ने बहुत दर्द सहा है उस तुम्हारी तमन्ना की वजह से। दोबारा मैं अपनी बेटी की खुशियों को तुम्हारी बीवी की नजर नहीं करूंगी, समझ गए? बिलाल का वीडियो मैसेज, अब क्या कह रहा है ये? हेमन देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ किया है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, जब जब तुमने जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया, और अब तुम मुझसे पीछे छुड़वाना चाहती हो? आई एम रियली सॉरी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ूंगा, आप खुद सोच लो तुम्हें करना क्या। या तो मैं अपने घर वाले तुम्हारे घर भेजूं, या तो मैं खुद आऊं तुम्हें मनाने के लिए। बड़ा आया फैसला, फैसला तो अब मुझे करना पड़ेगा। मुझे तुमसे बात करनी थी। जी कहिए। वो आपा ने इस जुम्मे की तारीख रखी है तुम्हारे और दानिया के निकाह की। जुम्मे की? हाँ, क्यों जल्दी है क्या? वो असल में आपा चाहती हैं कि जितनी जल्दी निकाह हो जाए उतना अच्छा है, और सच पूछो तो मेरी भी यही ख्वाहिश है। दिल डर सा गया है कि कहीं फिर से वही सब। नहीं अब ऐसा कुछ नहीं,
आप इत्मीनान रखें। तो चाहता हूँ कि जल्दी से निकाह हो जाए, क्योंकि आगे मैं काफ़ी बिजी हूँ ऑफिस के काम में, शायद मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भी जाना पड़े। तो तुम वापस आ जाओ, उसके बाद की डेट रख देते हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप खाला से बात करें और खुद चाहता हूँ कि आप मज़ीद कोई ताखीर ना हो। अच्छा ठीक है, मैं आपा से बात करती हूँ। आज किस गहरी सोच में हैं? हेमंत कहाँ है? अपने कमरे में होगी। क्यों, अब क्या कर दिया उसने? उसने कुछ नहीं किया। तुम यहां आओ मेरे पास, मुझे तुमसे बात करनी है। खैरियत ही हो। आप ना जब भी मुझे इस तरह बुलाते हैं ना बात करने के लिए, मुझे डर लगता है। वो किस लिए? क्योंकि आप कभी भी कोई ढंग की बात नहीं करते खालिद। खैर बताएं क्या बात है? इसमें मेरा मसला नहीं है, तुम्हारे दिमाग का मसला है। मेरी बेढंगी बात तुम्हारी मोटी अकल में आती नहीं है। खैर गौर से मेरी बात सुनो। शहरयार साहब चाहते हैं कि मैं एमन को अपने साथ कारोबार में लगा लूं। वो पढ़ी लिखी है, जल्दी सारा काम समझ जाएगी, वरना कल को कोई भी मेरे कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर मुझे लूट सकता है, कारोबार में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके लिए एमन को शहरयार साहब का ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। वो क्यों? काम सीखने के लिए, और पढ़ी लिखी है, जल्दी काम सीख जाएगी। और बीबी का क्या करें, घर में क्या कहेंगे? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। इसके लिए हमें अलग घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। अलग घर? हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? जाहिर है। नहीं नहीं भाई, हम नहीं ये घर छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे सबके साथ। खालिद, या तुम्हारा है कौन? बीबी जिससे तुम्हारी बनती नहीं है? जुबैदा भाभी जो तुम्हें कुछ समझती नहीं है? उमर की शादी हो चुकी है, दानिया की होने वाली है, पीछे बाकी बचा कौन? मुझे नहीं पता, हम कहीं नहीं जाएंगे, मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे जकिया बात तो सुनो, अजीब जाहिल औरत है, समझती नहीं है कुछ। इसके लिए मुझे एमन से खुद बात करनी पड़ेगी। आपके पाँव की सूजन बहुत बढ़ गई है, किसी डॉक्टर को दिखा दो। अरे बेटा जब तक अब्बास था तो देख लिया करता था, जब से वो गया है तो ख्याल ही नहीं आता। और खालिद, खालिद तो ना जाने कौन से कामों में मसरूफ रहते हैं। खुश रहो बेटा, मेरी कितनी खिदमत करती, सदा सुहागन रहो। जब भी तुम्हें उमर के साथ देखती हूं तो दिल खुश हो जाता है, खिल सा जाता है। बहुत खिदमत की है तुमने मेरी। आसिया से जितने गिले थे तुमने सब दूर कर दिए। ठीक कहते हैं सब कि मां बाप का कर्ज औलाद को चुकाना पड़ता है,
और तुमने उसकी माँ की इतनी खिदमत करके उसके तमाम कर्ज चुका दिए। अब तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, बस वो पूरी हो जाए। वो क्या नानी जान? मेरी आंखें बंद होने से पहले तुम्हारे और उमर के बच्चों को इस घर में हंसता खेलता देखना चाहती हूँ। बीबी, मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ हाँ कहो, काफी देर से गुमसुम बैठी हो। इस जुमे को मैंने हारून और दानिया के निकाह की तारीख रखी है। ये तुम मुझे बताने आई हो या बात करने आई हो? आप जो समझे। मगर हारून तो शादी से इनकार कर चुका था। लेकिन अब वो इनकार जो है वो इकरार में बदल गया। एक बार जिस रिश्ते से भरी बारात में इनकार किया गया हो तो उसके लिए हामी भरना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे मामलात को बहुत गहराई से देखना पड़ता है। अरे तुम कहाँ चल दी? तुम्हें दानिया के निकाह की कोई खुशी नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं मुहानी, मैं बहुत खुश हूँ। किचन में खाना रखा है, वो देखने जा रही हूँ। वो क्यों खुश नहीं होगी? इसलिए कि बाज़ औक़ात दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती। ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी बहू जो तुमने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? मैं जरूर पूछती आपसे, अगर उमर और तमन्ना की शादी पर आप मेरे इनकार को अहमियत देती। तो तुम घर के हर फैसले से मुझे दूर रखकर मेरे उस फैसले का बदला लेना चाहती हो, मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा महसूस कर रही हैं, ऐसे ही सही। क्या दानिया के साथ मेरा शादी का फैसला दुरुस्त है? कहीं मैं माँ के जज्बात में आकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा दानिया के साथ, उसकी जिंदगी के साथ? अगर मैं उसे उसका हक ना दे सका तो क्या मैं उसके साथ इंसाफ कर पाऊंगा? मैं तमन्ना को अपने दिल से नहीं निकाल पाया तो तानिया को उसकी जगह कैसे दे सकता हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी की ख्वाहिश को पूरा करते करते तानिया के दुख का सामान बन जाऊं। भेज दो। कम इन। बिलाल जी, कैसे हो? मैं ठीक ठाक। आप? शेर यार, बैठो प्लीज जी। आपने
मुझे बुलाया, मुझसे मिलना चाहते थे। बाय द वे मैं आपको जानता नहीं। मुलाकात होती है जान पहचान के लिए। अब आज मुलाकात हुई है तो जान पहचान की हो जाएगी। क्यों, क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। मुझसे जान पहचान बढ़ाकर आपको क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं, या शायद बहुत कुछ। ये तो जान पहचान के बाद पता चलेगा कि मुझे क्या मिलता है और तुम्हें क्या हासिल होता है। वैसे बातें बड़ी घुमा फिरा कर करते हैं आप। बिलाल, मेरा काम ही यही है। मैं सारी दुनिया से मैसेज लेकर आता हूं। अगर उनसे सच्ची और खरी बात करने लग जाऊं तो एक दिन इन्वेस्टर यहां ना ठहरे। अच्छा छोड़ो, क्या पियोगे? कॉफी, चाय? ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। पता तो चल गया होगा तुम्हें। किस बारे में? मेरी और हारून की शादी के बारे में। हारून मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया है और अब उसने खुद सबिया खाला से मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन मैंने शादी से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जात के साथ मुझे तुम्हारे वजूद का एहसास भी हो। लेकिन फिर वो खुद मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ लेकर गया शादी के लिए मनाने, राजी करने के लिए। और उसने कहा कि मुझसे शादी से इनकार करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब उसे एहसास हो गया है कि सिर्फ मैं दानिया उसकी मोहब्बत के लायक हूं, उसके साथ के काबिल हूं। और जिस लड़की के लिए उसने मुझसे इनकार किया था वो लड़की उसकी मोहब्बत तो दूर, उसकी सोच और उसके नजरों के लायक भी नहीं थी। दुख तो बहुत हो रहा होगा अपने बारे में हारून के मुंह से ऐसे ख्यालात सुन के। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं। अगर मेरे बारे में इस तरह सोचकर तुम्हें हारून का साथ नसीब हो सकता है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है? मेरे लिए वो आज भी उतना ही गैर अहम है जितना पहले था। यूं बार बार इनकार करके तुम अपने दिल से मेरे लिए मोहब्बत खत्म कर लो। ऐसे कहते हैं जब कोई बार बार इनकार कर रहा हो ना वो दर हकीकत उनका इकरार होता है, इस सच्चाई को छुपा रहा होता है।
थाम लो मेरा हाथ। कहते हैं से आंख बंद करके फूंक मारने से जो मांगो मिल जाता, मांगो जो मांगना। यकीन था कि एक ना एक दिन मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर देगी मेरे पास आने का, छपरा बनाने का, मेरा हाथ था। क्या ये सच है? अब वो ऐसा मुमकिन है कि मैं जॉब कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, तुम जॉब कर सकती हो, बेटा इसके लिए हमें इस घर से जाना होगा। इस घर से जाना होगा? तो कब जाएंगे इस घर से? अबू मैं खुद इस घर से तंग आई हुई हूँ, इस चार दीवारी से और इन दकियान उसी उसूलों से। कहीं जाना हो, किसी दोस्त से मिलना हो, तो सबसे पहले 10 बंदों से पूछना होता है क्या मैं जाऊं या नहीं। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम अपने बड़े से खूबसूरत से घर में चले जाएंगे। कब जाएंगे बताया ना। लेकिन बेटा इसके लिए तुम्हें अपनी माँ को मनाना पड़ेगा, वो तो पता नहीं क्या सोच के इस घर से जाने पर राजी नहीं। अब्बू आप अम्मी की फिक्र मत करो, वो जो सोच कर बैठी है ना इस घर में वो मुमकिन नहीं, और ये बात उनको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। कौन सी बात है? कोई बात